नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पास एक कमेंट आया है कि सर आप डिटर्जेंट जेल के बारे में वीडियो बनाए कि हम डिटर्जेंट जेल कैसे बना सकते हैं। तो समझ लीजिए, मैंने वो कमेंट पढ़ा और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खुशी हुआ कि आप लोग वीडियो देखते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को और ज़्यादा टॉपिक पर वीडियो देखना है और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करते हैं। तो मैंने आगे ही आपको बताया था पहले ही कि आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो एक भाई ने कमेंट किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बनाएंगे डिटर्जेंट जेल बनाने का फार्मूला। लेकिन उससे पहले आप एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम डिटर्जेंट जेल बनाते हैं तो उसमें अगर हम एसिड स्लरी का ज़्यादा यूज करेंगे तो पीएच डिसबैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे हमें लिक्विड नहीं बनाना है, जेल बनाना है। जेल मतलब एकदम वह गाढ़ा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा। तो अगर हम एसिड स्लरी ज़्यादा यूज करके अगर डिटर्जेंट जेल बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी होगा, लेकिन उसका पीएच बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा, जो हाथों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसका सीधा यही बात है कि अगर आप डिटर्जेंट जेल बनाना चाहते हैं तो उसका जो क्वालिटी रहेगा वो रहेगा तो बढ़िया क्वालिटी, लेकिन खास करके उन कपड़ों के लिए रहेगा जिस कपड़े पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे न लगे हों। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए अगर कोई बंदा ऑफिस जा रहा है कपड़े पहनकर, जैसे वो एसी में काम करने वालों के लिए वो रहेगा उन कपड़ों के लिए। अब यह नहीं है कि आप खेत में काम कर रहे हैं, चाहे आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, तो उन कपड़ों को साफ करने के लिए एयर डिटर्जेंट जेल नहीं है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, एयर डिटर्जेंट जेल उन कपड़ों के लिए है जो बढ़िया कपड़े होते हैं, जिस पर दाग धब्बे नहीं लगे होते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि हम इसमें जेल बनाने के लिए हम इसमें ज़्यादा यूज करेंगे एसएलएस लिक्विड, इसी से हम जेल बनाएंगे। अब इसे बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम पहला काम, तो कोई भी लिक्विड अगर हमें बनाना है, जेल बनाना है, तो हमें लेना है सबसे पहले वाटर। देखिए वाटर ले लिया हमने। अब इसे बनाने का फार्मूला आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए अगर हमें 1 kg जेल बनाना है, 1 kg जेल बनाना है हाई क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का, तो हम एसिड स्लरी लेंगे 100 ग्राम। ध्यान से सुनिए, एसिड स्लरी 100 ग्राम। एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लेंगे कास्टिक सोडा 30 ग्राम। यह हो गया। इसमें एसएलएस लिक्विड लेंगे हम 500 ग्राम और जो बचा 400 ग्राम उसे हम लेंगे वाटर। इसी हिसाब से हम बनाएंगे। तो मैं आपको इसमें कलर अभी नहीं मिलाता हूँ क्योंकि आपको क्वालिटी दिखाना है। तो कलर मिल जाएगा तो उसका उतना बढ़िया क्वालिटी आपको देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखिए मोबाइल में देख रहे हैं, कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसका क्वालिटी जब यह एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा तो उसका क्वालिटी आपको देखने में बढ़िया। यह नहीं है क्वालिटी, जैसे आप कलर मिलाएंगे तो उसका क्वालिटी में कोई डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन अब देखने में, मैं आपको ये वीडियो जानकारी के लिए बना रहा हूँ कि आपको देखने पर पता चले वो कैसा बना है, तो इसीलिए मैं कलर इसमें यूज नहीं करूँगा। समझ में आ गया? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया वाटर। अब इस वाटर में हम क्या करेंगे, इस वाटर को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। समझ में आ गया? लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है, बहुत ज़्यादा ठंड है और ये कम क्वांटिटी में है, तो मैं इसे डायरेक्ट बना दूंगा। नहीं तो आपको ऐसा करना है कि आपने 400 ग्राम वाटर लिया तो आपने 200 ग्राम में कास्टिक सोडा और 200 ग्राम में एसिड स्लरी मिलाना है, लेकिन अब इस समय अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है तो इसीलिए फटने का
कोई टेंशन नहीं रहेगा। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पर कास्टिक सोडा भी एकदम गल चुका है। देखिए क्या किया जाए, काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, शीतलहर है, तो इसीलिए सब रॉ मटेरियल गल रहा है। यहाँ पर हम इतना कास्टिक सोडा लेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए तो मैं आपको एक एक टॉपिक पर बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा। अब यहाँ पर अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। कास्टिक सोडा का आप जब भी यूज करें हाथ हम ग्लव्स मुंह पर मास्क जरूर लगा लें, जिससे आपको ही लाभ होगा। समझ में आ गया? देखिए इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे एसिड एसलरी। बस इतना बहुत है। अब यहाँ पर मैं वेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा अनुभव इतना हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है यह सब प्रोडक्ट बनाते हुए, कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं कैसे भी बनाऊँ वो बन जाएगा। आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनका यही काम है, बनाते होंगे, तो उनको भी इतना अनुभव हो गया होगा। देखिए कोई जिस काम में माहिर होता है, जिस काम को करता है, उसमें वो बहुत ज़्यादा माहिर हो जाता है। उसके लिए वो एकदम खिलवाड़ होता है, कैसे भी बनाएगा वो उसका काम बन जाएगा। समझ में आ गया? और आप लोग मेरा बीके टेक्निकल खेती का जो चैनल बनाया हूँ मैं, उसे आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अरे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। अभी तक उसमें 121 सब्सक्राइबर हुए हैं। समझ में आ गया? तो ऐसा करिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को देखने के बाद में तुरंत बीके टेक्निकल खेती को सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल का मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर भी मैं आपको नॉलेजेबल वीडियो ही बनाता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे हमें बिजनेस करना है, तो बिजनेस यह नहीं है कि हम एक ही काम को लेकर उसमें फंसे रहे। हम अलग अलग काम करेंगे, कई तरफ से पैसा आएगा आपका, 100-100 रुपये आएगा कई तरफ से, आया 400 हो गया। समझ में आ गया? इसीलिए आपको कई काम करना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर हमने वाटर एसिड एसलरी और कास्टिक सोडा का घोल हमने बना लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे एसएलएस लिक्विड, क्योंकि हमें जेल बनाना है तो एसएलएस लिक्विड का मात्रा ज़्यादा रहेगा। देखिए तभी यह जेल फॉर्म में आएगा। देखिए ये अभी इतना गाढ़ा हो गया, अभी तो इसमें साल्ट मिलाना है। देखिए बिना साल्ट के ही इतना यह ठीक हो गया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके साल्ट ऐड करेंगे। देखिए अब ये चलाने में बहुत ज़्यादा दम ले रहा है, और यहाँ पर आपके सामने ये देखिए जेल बन के तैयार हो गया। अब ये और ठीक होगा। देखिए देख पा रहे हैं, थोड़ा हम इसमें साल्ट और मिलाएंगे, जिससे और ज़्यादा ठीक हो जाए। और यह जो आप अभी देख रहे हैं एकदम, यह अभी फोम इसमें बना है, झाग बना है। जब यह ठंडा होगा एक दिन बाद, तो इसमें समझ लीजिए कोई भी आपको किसी भी तरीके से इसमें कोई झाग नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं आपको लगेगा कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, एकदम यह ट्रांसपेरेंट रहेगा। देखिए इस तरीके से यह जेल फॉर्म में आ गया, और यह अभी टुकड़ों में टूटने लगेगा। समझ में आ गया? क्योंकि अभी ये देखिए अभी थोड़ा सा यह हमने अभी मिलाया है, तो जब यह धीरे धीरे
करके एक दिन बाद आपको इसका रिजल्ट बढ़िया देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, जब मैं इसे मिला रहा हूँ तो देखिए टुकड़ों में टूट रहा है, देखिए 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 ये टुकड़ों में टूट रहा है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अब ये देखिए, अब यहाँ पर मैं अगर इसे निकालता हूँ तो देखिए कहीं भी इस बर्तन में नहीं लगेगा, देखिए देखिए। इस तरीके से आप जेल को बना सकते हैं। देखिए मैं इसे अगर मिला रहा हूँ तो ये देखिए बर्तन में नहीं लग रहा है किसी भी तरीके से, और चम्मच में देखिए थोड़ा सा भी नहीं लगा, देखिए टुकड़ों टूट रहा है नहीं। मान लीजिए अगर हम लिक्विड में इस तरीके से अगर हम चम्मच को डुबाएंगे तो उस पर लगेगा, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 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 चम्मच से यह एकदम हट जा रहा है, देखिए देखिए देख रहे हैं। कितना भी हम इसे इसमें मिलाएंगे लेकिन ये चम्मच में नहीं लगेगा, तो एकदम टुकड़े में टूटेगा यह, समझ में आ गया। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जेल बना है, लेकिन मैंने आप लोगों से जो बात कहा है आप उसे ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि है तो ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का, लेकिन यह इस अब इसमें हमने एसिड सलाई कम मात्रा मिलाया है, तो यह नहीं है कि जैसे सफाई करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा जो इसमें दाग धब्बे लगे होंगे उन कपड़ों को यह साफ नहीं करेगा, समझ में आ गया। उन कपड़ों को साफ करने के लिए फिर हम इसमें अगर एसिड सलाई का मात्रा ज़्यादा मिलाएंगे तो फिर उसका पीएच डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको जेल बनाना है तो जेल आप इसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए जेल बनाने के लिए हमें इसलिए लिक्विड का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखिए एकदम टुकड़ों में टूट रहा है, इसलिए लिक्विड का ज़्यादा हम यूज करेंगे, इससे कोई भी पीएच में डिसबैलेंस नहीं होगा और हमारा जेल बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। जेल का मतलब हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड चाहिए, समझ में आ गया। तो मैं इसे इसी तरीके से रख देता हूँ और इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। जब इसका अगला वीडियो आएगा तो मैं इसका रिजल्ट आपको जरूर दिखाऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या है। फिर हम इसमें झाग देखेंगे और हो सकता है कि हम इसमें कपड़े धोकर भी देखें। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसका अगला वीडियो जरूर देखिएगा, समझ में आ गया। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो या लगा हो कि आपको कुछ ना कुछ इससे जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है बीके बिजनेस तो चैनल यही है, बीके टेक्निकल खेती, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।